इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो देखिए, अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा होता, उस केस में जो पार्टिकल होते हैं मीडियम में प्रेजेंट, वो भी वाइब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा होगा, तो जो पार्टिकल होंगे मीडियम के, वो वाइब्रेट करेंगे। अब कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग अगर फॉरवर्ड मूव करता है, तो ये हाई प्रेशर रीजन क्रिएट कर देगा, जहाँ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन। ऐसे ही अगर ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के रीजन की वजह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बना, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल पास पास है, हाई प्रेशर रीजन है, ये कंप्रेशन है। ऐसे ही जहाँ पार्टिकल दूर दूर है, ये लो प्रेशर रीजन है, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन। हाई प्रेशर रीजन में आपकी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, ज़्यादा, जबकि लो प्रेशर रीजन में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, कम होगी। और ये जो सीरीज़ है आपको मिलती जाएगी, किसकी, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की। और इस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सीरीज़ की वजह से ही साउंड वेव जो है प्रोपोगेट करती है थ्रू द मीडियम। और यहाँ पर हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है, एयर।